हम देश में जो है बंटवारे की बात नहीं कर रहे, बंटवारे की ये बात कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम अगर आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति ने बिहार का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग की है। इसे लेकर समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उनका कहना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला बिहार में लागू किया गया है, जिसके तहत अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। आज हम पिछड़ी जाति के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें सैन समाज है, कुम्हार समाज है, रजक समाज है और भी अन्य जातियों के लोग हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो फार्मूला बिहार में लागू है, उसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए। हम वर्षों से अपेक्षित हैं, हमारे सामाजिक बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से आगे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। आरक्षण अगर हमें मिलता है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। हम शासन से मांग करते हैं कि इस फार्मूले को मध्य प्रदेश में जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर नहीं लागू किया गया या तो आज हम यहाँ पर हैं, कल भोपाल में संघर्ष करेंगे और भोपाल में जाकर इसके लिए मांग करके सीएम को घेराव करेंगे। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के जो है अभी वर्तमान में जो है मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था, उनके नाम से जो है मिशन कर्पूरी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। बिहार में आरक्षण पे आरक्षण लागू किया था हमने, ओबीसी को में वर्गीकरण, जिसको मिशन कर्पूरी फार्मूला बोलते हैं। आज समूची सैन समाज इकट्ठा हुआ और उसके साथ अति पिछड़ा की सारी जातियों के अध्यक्ष हैं, चाहे रजक समाज हो, चाहे सौंधिया समाज हो, चौरसिया समाज हो, कोष्टा समाज हो, चाहे बारी समाज के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं साथ में। ऐसी समूची अति पिछड़ा की 45% में आने वाली जातियाँ साथ में आज खड़ी हैं और मध्य प्रदेश सरकार से यह मांग कर रही हैं कि 78 साल हो गए, 78 साल हो गए, यहाँ पे अति पिछड़ों की जो है दलितों से भी गरीबी की स्थिति है। और मध्य प्रदेश सरकारों में कई सरकारें आईं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में अभी भाजपा की सरकार है लगातार, मगर अति पिछड़ों के लिए कोई भी योजना या किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम उनसे निवेदन बार बार कर रहे हैं, कई सालों से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि बिहार की तर्ज में मिशन कर्पूरी फार्मूला जो मध्य प्रदेश में भी लागू करें, जिससे अति पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों, समूची जातियों का उत्थान हो सके। आज भी देश में ऐसी 980 जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और यहां बोलते हैं लोग आरक्षण खत्म किया जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश आज़ाद होने के बाद संपत्ति सबके साथ बराबर की बंटनी थी, हमने मांगी क्या? हमें आपने बोला कि हम आरक्षण के माध्यम से आपको ऊपर ले जाएंगे। हम देश में जो है बंटवारे की बात नहीं कर रहे, बंटवारे की ये बात कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम अगर आरक्षण का लाभ नहीं देंगे तो हम कहेंगे सारी संपत्ति देश की एक साथ बराबर हो और बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि आज भी इस देश का जो है नागरिक है वंचित है, शोषित है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की से हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी से, अगर उन्होंने 45% में आने वाली जातियों की मांग नहीं स्वीकार की तो आज जो देश में देख रहे हैं स्थिति हुई है 240 में अटक गए हैं, मध्य प्रदेश में जीरो में आके भाजपा की सरकार बनेगी अगर उन्होंने अति पिछड़ा को लागू नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, पलपल इंडिया।